أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। सदर महफिल इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज्जज़ मुख्तरम हजरात उलमाए किराम मशायख इज़ाम मुल्क के तूल वर्ज से आने वाले मुअज्जज़ मोहतरम मेहमानान गिरामी कदर पीर तरीकत रहबर शरीयत आलम बामल पैकर अखलास बिरादर अजीज़ हजरत मौलाना साहबजादा मोहम्मद असद हबीब शाह जमाली साहेब दामत बरकातुल आलिया हजरत के प्यार बरे हुक्म पर दीन की निस्बत से इस ईमानी वजदानी रूहानी कुरानी इज्तिमा में जैसे आप अपने कुलूब की इस्लाह के लिए हाजिर हुए हैं मैं भी अपने दिल के इस्लाह के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ और हम दुआ करेंगे हजरात रूहानी तवज्जो फरमाएंगे कि अल्लाह हमारी रूहानी बीमारियों का खात्मा फरमाए। जिस्म बीमार हो जाए उसके लिए दुनिया में तबीब हबीब हकीम डॉक्टर मौजूद हैं। अगर रूह बीमार हो जाए तो उसके लिए यही दवाखाना है। इन्हीं खानकाहों में रूहानी इलाज होते हैं। अगर जिस्म को ऐसी बीमारी लग जाए कि तो नतीजा उसका मौत है तो मर सब ने जाना है। भाई इसकी ईको कम करो, थोड़ी सी आवाज ज्यादा सादा खोलो, बैक की आवाज खोलो। मर हम सब ने जाना है, रहे नाम ठीक है, ये नक्शबंदी इज्तमा है लेकिन मैं तो कादरी बन के बयान करता हूं, सारे सिलसिले हमारे हैं। भाई कुल
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. हर चीज फना है, एक अल्लाह की जात को बका है। यहां एक बारीक सा नुक्ता लिखा है सूफिया ने, वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि क्यामत तक हमारा नाम बाकी रहे तो तुम अपना ताल्लुक बाकी से जोड़ लो। आप समझे ही नहीं। अगर आप चाहते हैं क़यामत तक हमारा नाम रोशन रहे, हर आने वाले नस्ल को हम याद रहें, फिर अपना ताल्लुक उस जात से जोड़ लो जो बाकी है, वो बाकी रहने वाली जात तेरा नाम भी बाकी रखेगी। जितने अल्लाह वाले मज़ारात में सो रहे हैं, हमारे बाप दादा ने भी नहीं देखे। जो ही जबान पे नाम आता है, हज़रत अली हजवेरी हो, फरीदुद्दीन शकरगंज हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, मुजद्दल अफसानी हो, शेख अब्दुल कादर जिलानी हो, जुनैद बगदादी हो, हसन बसरी हो, जो ही नाम आता है तो अदब से निगाहें झुक जाती हैं। क्यों? उन्होंने बाकी से ताल्लुक जोड़ा था। तो यहाँ आप हम अगर रूहानी तौर पे बंदा मर गया और रूह ठीक ना हुई, दिल ठीक ना हुआ, तो फिर ठिकाना जहन्नम है। जाना सबने है, रहना किसी ने नहीं। लेकिन कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकाती, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, अल्लाह की इज्जत करो जैसे उसकी इज्जत का हक है। फला तमोतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी कुरान कह रहे ना मरना, ना मरना, ना मरना, लेकिन जो मरना है तो मुसलमान बन के मरना, साहेब ईमान बन के मरना, काफिर होके नहीं मरना, मुशरिक होके नहीं मरना, बिदती होके नहीं मरना, मुस्तफा की खत्मे नबूवत का मुनकिर होके नहीं मरना, साहबो अहले बैत का बेअदब हो के नहीं मरना, मुसलमान बन के मरना, साहेब ईमान बन के मरना है। सब कुछ यहां रह जाएगा, साथ तो ईमान जाएगा। अगर ईमान ही जाया कर बैठे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएगा। तो हमारी रूहानी बीमारियां बेशुमार हैं, उनमें एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो है अखलाकी कमजोरी। हमारे अंदर अखलाक की कमी है, जबकि हम जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो खुलुकन अजीम के दर्जे पर फैज था। सल्लल्लाहो, यार कभी सूफिया की तकरीर भी सुन लिया करो। जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं, हमारी शक्लें नहीं बदलती, हमारे ऊपर पत्थर नहीं बरसते, गुनाह करते वक्त हम पत्थर नहीं हो जाते, रात को अगर कोई मुकाला करे सुबह उसकी जमीन पे नहीं लिखा जाता किसने गुनाह किया है, उसके दरवाजे पर नहीं लिखते फिरिश्ते इसने गुनाह किया है, अगर लिख दे फिर, अगर जमीन पे लिखा जाए फिर, गुनाह करते हुए पत्थर हो जाएं फिर, बंदर और खनजीर हो जाएं फिर। रिवायात में आता है क्यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, पांव से लेकर गर्दन तक इंसानी शक्ल होगी लेकिन चेहरे उनके जानवरों जैसे होंगे, मुख्तलिफ, कोई कुत्ते की शक्ल में, कोई बंदर की शक्ल में, कोई खनजीर की शक्ल में खड़ा हो। लोग कहेंगे इनको क्या हुआ है, नीचे से लेकर गर्दन तक ठीक हैं। तो यहाँ कमाल की एक बात है, फरमाया कि मेरे मोहम्मद ने इंसानों की सिफारिश करनी है और इंसान कहलाता है चेहरे की वजह से, अल्लाह ने इनके चेहरे इसलिए बदल दिए हैं ताकि मेरा मुस्तफ़ा इनकी तरफ देखे ही नहीं। कसूर क्या था? कहा कि ये मोहम्मद की इज्जत नहीं करते थे।
सल्लल्लाहु अलैहि वाले, ये हजूर की इज्जत नहीं करते थे, आका का अदब नहीं करते थे, बेअदब थे। बेअदबी का ये माना थोड़ा है कि माजल्ला कोई गाली दी जाए या तो कोई तबर्रा किया जाए, बेअदबी ये भी तो है ना कि सुन्नत को कत्ल करके गंदी नाली के हवाले का आदमी कह दे मैं मुसलमान हूं। खुशी गमी पे नबी को याद ना रखा जाए। याद रखो सबसे अहम मसला वो है कि हमें हजूर की हर हाल में इज्जत करना होगी। जैसे कोई आदमी गिरफ्तार हो जाता है तो थानेदार साहब नहीं छोड़ते, कोई उसका करीबी दोस्त चला जाए, सर जी छोड़ दो मेहरबानी करो, वो जब उसको छोड़ता है तो पता क्या कहता है, तुझे छोड़ना नहीं था, इसका मुंह है। आप नहीं समझे, वो कहता है तुझे छोड़ना नहीं था, तुझे सजा देनी थी, लेकिन इसने सिफारिश की है ना, इसकी मुंह की वजह से तुझे छोड़ रहा हूं। अल्लाह कहता है तुम्हें छोड़ना नहीं था, तुम बचे हुए हो, तुम मुस्तफा के मुंह की वजह से बचे हुए, मुस्तफा के चेहरे की बरकत की वजह से बचे हुए हो, वरना हालत हमारी जानवरों से बढ़ गए हैं। क्या ये मुसलमान है? क्या नबी का ये नाम ले सकता है जिसकी हवस से 6 साल की बच्ची महफूज ना हो, 3 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार दी जाएं, बच्ची पैदा हो मां कत्ल कर दी जाए। पिछले दिनों में कसूर में दूसरी बच्ची पैदा हुई, जालिम ने मां को कत्ल कर दिया कि तूने बेटी को पैदा की, और जालिम इसका काम है बेटी पैदा करना, बेटा पैदा करना, फिर कहते हैं जी बरकत नहीं है, हालात ठीक नहीं है, दुआएं कबूल नहीं होती, गाली देना फैशन बन गया है, गीबत करना फैशन बन गया है, और इस बीमारी में हम सब मुबतला हैं, मजे ले लेके गीबत करते हैं, जबकि हजूर फरमा ना करना, ना करना गीबत, ना करना अलगीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत जिना से भी बड़ा जुर्म है, कोई परवाह नहीं है, चुगली की जा रही है कोई परवाह नहीं है, दूसरे मुसलमान का खामखा हसद दिल में है कोई परवाह नहीं है, गरीबों को दिखा दिखा के 1-1 किलो आटा देते हो, तस्वीरें पूरी दुनिया में फैला देते हो कि खान साहब गरीबों में आटा तकसीम करते हुए, अल्लाह से डर हो सकता है गरीब की जगह पे, फकीर की जगह पे जनाबोरा खड़े हूं, अल्लाह कर सकता है नहीं कर सकता, बोलो अल्लाह कर सकता है। आजकल तो अल्लाह ताला की कुदरत को समझना वैसे ही मौलाना अब्दुल हई साहब बड़ा आसान हो गया। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, ना मैं कोई सियासी बात करता हूँ, ना मैं किसी सियासतदान के खिलाफ बोलता हूँ, कुरान मेरे सामने मिसाल दी जा सकती है। कल तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? नहीं नहीं लंदन से पहले जेल में, यानी जहाँ आप बैठे हैं इमरान साहब, जहां आज इमरान खान साहब बैठे हैं, यहां मियां साहब थे और इमरान साहब साहब कुर्सी पर थे, अब इमरान खान साहब उधर हो गए और वो उधर हो गए, अब समझ नहीं है अल्लाह को ऐसे ऐसे कर देता है। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भी कदर दर दे, मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे, जर्रे को वर्क करता है दरिया की रोद में, बेकस को रोजी देता है दुश्मन की गोद में। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो अल्लाह को समझ। मेरे दोस्तों हमारे अंदर सबसे बड़ी जो बुराई है वो अखलाक की कमी है। अगर हमारे अंदर हुजूर के अखलाक जिंदा हो जाएं, तो जो आदमी अखलाक जिंदा करे समझे मैं महबूब की सुन्नत को जिंदा करता हूं और नबी की इज्जत कर रहा हूं। वरना ऐसा होगा, एक आदमी मदीने पहुंचा, सुबह सवेरे दुकान से दही खरीदी तो दही खट्टी थी, कहने लगा खट्टी है। अब किस दर्जे पर फैज होगा जिसको हजूर ख्वाब में कह रहे हैं निकल जा? आम आदमी तो नहीं होगा ना। आजकल ये भी रिवाज चला हुआ है जी, फलां के हाथ में हजूर ने मेरी तरफ सलाम भेजे हैं, तो मैंने कहा हजूर सलाम भेज सकते हैं, तो जी आके डायरेक्ट सलाम नहीं कर सकते?
हुजूर ने फरमाया मेरे मदीने से निकल जा, तूने मेरे मदीने की दही की तोहीन की। अब मुझे हक है ना कि कह दूं जो मदीने की दही की तोहीन नहीं सिर्फ खट्टा कह दे तो उसे मदीने से निकाल दिया जाता है, और जो मदीने पर मसल्ले पर खड़ा हो और कोई उसे बुरा कह दे, और फिर मसल्ला भी मुस्तफा ने दिया हो, पता नहीं आप समझे हैं कि नहीं समझे भाई, मसल्ला भी कमली वाले ने दिया हो और कोई कहे कि यहां क्यों खड़ा है, उसका तो कुछ नहीं होगा, उसको तो हुजूर मुसल्ले से अपने पास बुला लेंगे, लेकिन तुझे बारो बार आप तो बाईपास जाएंगे ना। तो अखलाक मुस्तफा की एक झलक सिर्फ, एक हजरत ने घड़ी वो लगा रखी है जो मुझे डराई बैठी, मैं इंग्लैंड तक गया यकीन जानो सामने वाली घड़ी हमेशा ऐसे होती है, तवज्जो है आपकी नहीं है तवज्जो, मैं सिर्फ हजूर के अखलाक की एक झलक आपके सामने बयान करूंगा। क्या मेरे महबूब का अखलाक था यार कि एक हजूर आराम फरमा रहे हैं सो रहे हैं और आपने तलवार दरख्त के साथ लटका रखी है। याद रखो तेरी मेरी नींद और है नबी की नींद, जोर से बोलो और जोर से बोलो, मैं तू और है नबी, मेरा तेरा पसीना और है नबी का पसीना, तेरा मेरा सोना और है नबी का सोना, मैं सो जाऊं तो वजू टूट जाएगा, आप सो जाएं तो वजू टूट जाएगा। नबी सारी रात सोया रहे, उठ के फजर की नमाज पढ़ ले, नबी का सोने से वजू नहीं टूटता, क्योंकि हजूर फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं मेरा दिल जागता रहता है। एक यहूदी ने देखा आज मौका मिल गया है, आज माज अल्लाह मैं नबी को कत्ल करूंगा, ये बदबख्त यहूदी, ये कमीने यहूदी, ये जानवरों से बदतर यहूदी, बच्चों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, अरे पाकिस्तान में किसी को थोड़ा सा रोड़ा मार दो तो शोर उठता है, इंसानी हकूक की बमाली हो गई, फलस्तीन के मुसलमान नजर नहीं आते, सब सत्तू पी के सो रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटियां कहां मर गई, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम इसराइली मसरूआत का बाइकाट कर सकते हैं वो भी नहीं करते, नबी का दिल दुखा दुखा के पेप्सी कोक पीते हैं, भाई हम वहां नहीं जा सकते, हम अल्लाह फरमाता है ये सो रहा है इसका मुहाफिज तो जाग रहा है, वो कौन है हिफाजत करने वाला, जोर से जोर से, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, ला
सीनतुं वला नौम, नींद से पाक कौन है, ऊंघ से पाक कौन है, आने जाने से पाक कौन है, थकावट से पाक कौन है। तरो से कह दो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे महबूब आराम कर रहे हैं, तलवार लटकी हुई है, यहूदी दबे पाँव आया, आहिस्ता आहिस्ता आया, कहीं मेरे पाँव की आहट से इसकी आंखें ना खुल जाएं। करीब आया, तलवार उतारी, ऐसे हुजूर को मारने लगा तो नबूवत की आंखें खुली। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, तू अब आया है बचाने वाला, नहानो अकरब इलैहि मिन हबलिल वरीद, नसरु मिन अल्लाहि व फतहुल करीब, अला इल्ला नसरु अल्लाहि करीब, इल्ला रहमत अल्लाहि करीब, तबारक अल्लज़ी बियदिहि मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तू अब आया है बचाने वाला, पहले ही मौजूद है। तू क्या समझता है मोहम्मद लावारिस है? नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद का वारिस अल्लाह है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं, जब मक्के के सारे काफिर सारे काफिर सारे काफिर इकट्ठे हो गए और मेरे घर का घिराव कर लिया, मैं तो उस दिन भी उनमें से निकल आया। और अल्लाह ने फरमाया, सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो के जोर लगा ले, मेरे मोहम्मद को फकत अबू बकर ही काफी है। सारे काफिर जोर लगाते रहे, भागते रहे, आंखें खोल खोल के देखते रहे। अल्लाह फरमाते महबूब, सिर्फ छोटा सा नुस्खा इख्तियार करना है। कौन सा? जहां पे तेरे पांव लगे हैं यहां से मिट्टी उठा, फेंकना तेरा काम है, अंधे कर देना मेरा काम है। मेरे नबी ने मिट्टी फेंकी, सर में भी पड़ गई, आंखों में भी पड़ गई। जिनकी आंखों में पड़ी उनको नबी नजर ना आया, जिनके सर में पड़ी उनको नबी समझ ना आया। अंधे भी हो गए, पागल भी हो गए, उस वक्त नहीं कयामत तक। ना नबी नजर आया है किसके साथ और किसके साथ नहीं है, ना नबी समझ आया है। नबी को समझने के लिए भी आंखें चाहिए, नबी को देखने के लिए भी आंखें चाहिए, और ये आंखें रब ने सिद्दीक को दी थी। मुझे नहीं पता अबू बकर के मानने वाला कौन कौन बैठे। आपका हक ज्यादा बनता है, हजरत बैठे हैं पूछ लेना, आपका ज्यादा हक बनता है सिद्दीक के हक में बोलने, इसलिए कि वो आपके सिलसिले का सरबरा है। क्यों हजरत? सैयदना सहाबा में बड़े मोतबर, सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर। पढ़िए सहाबा में बड़े मोतबर, सिद्दीक अकबर। दुआ कीजिए खुदा साउंड वाले को थोड़ी सी और आवाज खोलने की। तो
समझदार लोग कहते हैं कि दुनिया में दो बंदे दिमाग से मारे गए, एक जो जिंदगी पे बात करे, दूसरा जो बिजली पे बात करे। बड़ी सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर, आवाज आए आवाज आए, अभी फरिश्ते सिद्दीक तक पहुंचा दें। सहाबा में बड़े मोतबर या अल्लाह, जो जोर से बोले इसको कोई ला इलाज बीमारी ना लगे, फालिज ना लगे, शुगर ना लगे, कैंसर ना लगे, बल्कि जो जोर से बोले सारी बीमारी दूर हो जाए। सहाबा में बड़े मोतबर, मेरे हादी मेरे रहबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। रसूलुल्लाह की बारात जिसके घर आई, बाराती थे उमर हैदर, सिद्दीक अकबर। अगर आज मेरे साथ भाई मोहम्मद असलम सलमी साहब पढ़े तो मैं इनको इनाम दूंगा। बराती थे उमर हैदर सिद्दीक अकबर, जो घर से सुई तलक तलाश करते थे, सखावत में पहला नंबर। खिलाफत में पहला नंबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। मेरे महबूब फरमाते हैं तू अब आया है बचाने वाला, कौन 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 कौन? उसने कहा ज्यादा बातें ना करो, बताओ मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा। हुज़ूर ने कहा अल्लाह। एक है सलमी साहब कहें अल्लाह, एक है भाई अब्दुल हई साहब कहें, अब्दुल कयूम साहब कहें, या मेरे शेख कहें, या ये बुजुर्ग कहें, एक है कि मेरे नबी की जबान से निकले। मेरी आवाज साउंड के बगैर बाहर नहीं जाती, तेरी आवाज साउंड के बगैर बाहर नहीं जाती। पीर हो, वजीर हो, मशीर हो, कितना बोलेगा, 10 फुट पे आवाज जाएगी। सदके जाऊं मैं मोहम्मद की सदा पर, लगाई सदा फरान की चोटी पर, पहुंच गई नौ तक में। हजूर की सदा के क्या कहना, अल्लाह हजूर कांपे नहीं, लर्दा पर अंदाम नहीं हुए, हजूर घबराए नहीं, हजूर डरे नहीं। फरमा मेरा अल्लाह बचाएगा, हजूर की जबान से जू ही निकला अल्लाह, कांपना शुरू हो गया, हाथ से तलवार गिर पड़ी, वही तलवार हजूर ने उठा ली। थोड़ी देर पहले उसके हाथ में थी, अब थोड़ी देर के बाद हजूर के हाथ में आ गई। हाय हाय हाय, तवज्जो रे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तालिब इल्म थे, मजमे में बैठे थे, बादशाह ने सवाल कर दिए, जो मेरे चंद सवालों का जवाब देगा, अगर सही जवाब देगा मैं उसके हाथ में बैयत करूंगा। दैरिया था, कम्युनिस्ट। अब बड़े बड़े मौलवी बैठे थे, लेकिन सवाल उसने ऐसे किए, मौलवी कुरान की आयत पढ़ते थे, वो कहता मैं कुरान को मानता नहीं हूं। अब वो हजरत बच्चे थे, अभी तालिब इल्म थे, इमाम साहब खड़े हो, फरमा करो सवाल। उसने कहा तू तो बच्चा है। फरमा बच्चा हूं, कच्चा तो नहीं होना, कर सवाल। उसने कहा तुम कह तो अल्लाह एक है। फरमा एक ही है। तो कहने लगा एक से पहले क्या था। अब सवाल तो बड़ा मुश्किल है,
आपने फरमाया गिनती गिन, एक दो तीन चार पांच छे, दोबारा गिन। कहने लगा एक दो तीन चार पांच छे, दोबारा गिन, एक दो तीन चार। इमाम साहब फरमाने लगे एक तो कहता है, जरा एक से पहले गिन। हो सका एक तो पहले तो है ही कुछ नहीं, फरमाया फिर उस तो पहले भी कुछ नहीं। उसने कहा तुम्हारा अल्लाह हर तरफ देखता है। मैं जी हर तरफ देखता है, अब बताओ तुम्हारे अल्लाह का इस वक्त रुख कहाँ है, किधर देख रहा है। मैं मोमबत्ती जला के रखो, टेबल पे मोमबत्ती जला के रखी गई। आप कहने लगे बता इसकी रोशनी का रुख किस तरफ है। कहने लगा चारों तरफ। फरमाया मेरा अल्लाह भी देख रहा है चारों तरफ। उसने कहा तुम्हारा रब हर जगह मौजूद। फरमाया हर जगह मौजूद, नजर क्यों नहीं आता। फरमाया ताजा दूध की बाल्टी मंगवा, बादशाह था, ऑर्डर किया, ताजा दूध की बाल्टी आ गई। आपने फरमाया इसमें मक्खन है। कहने लगा जी जी, दूध के जर्रे जर्रे में मक्खन मौजूद है, नजर क्यों नहीं आता, नजर क्यों नहीं आता। उसने कहा जी पहले इसको काटना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, फिर इसको जाग लगाना पड़ेगी, फिर सुबह उठ कर। अब तो माशाल्लाह मशीनें आ गई, टक लस्सी बाहर। पहले माएं होती थी, सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ती थी खुदा की कसम, फिर कुरान की तिलावत करती थी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के वो साथ जिक्र करती थी और साथ। अब जिक्र क्या करना है, अब जबान पे गाना होता है ठक, पियो लसी। कहां गई वो बरकत। फरमाया फिर जब इसको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मक्खन सामने आ जाएगा। इमाम साहब कहने लगे एक मक्खन का पेड़ा देखने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत है, अल्लाह को भी देखने के लिए मेहनत की जरूरत है। तुझे बड़ी जल्दी आ देखने की, पहले कलमा पढ़ फिर मैदान में निकल। तेरे ऊपर जब तलवार चलेगी अल्लाह के रास्ते में, अभी रूह नहीं निकलेगी, पर्दे हटा के अल्लाह अपना दीदार करा देगा। आज मैंने किसी और पास तोड़ दिया। ठीक है ठीक ठीक, और सुने सहन सर, या तुझे मेरे नाल नहीं जाना तो तुम गड्डी सुना दे। तवज्जो, कहते शाकर सुजाबादी का कलाम सुनाओ, पहले ये कलाम तो सुन लो ना। कहने लगा चौथा सवाल। ये चौथा सवाल हमेशा बड़ा मुश्किल रहा है, यार पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। मैं इस समाज में कौन सी बातें छेड़ बैठा हूं, मैं तो जरा मौलवी हूं किसी और टाइप का। हजरत प्यार से बुला लेते हैं, ये चौथे सवाल पे बड़े बड़े फंस जाते हैं। चौथा सवाल ही ऐसा है, हैदर को समझने के लिए सिद्दीक का समझना जरूरी है। नहीं पहुंचे मैं क्या कह गया। अल्लाह की कसम खा के कुरान हाथ में लेके कह रहा हूं, अली को समझने के लिए सिद्दीक को समझना जरूरी है। अली तब समझ आएगा जब सिद्दीक समझ आएगा। अली को उन्होंने समझा है जिन्होंने सिद्दीक को समझा है। कहने लगे चौथा सवाल। फरमाया सवाल बड़ा है, मैं छोटा हूं, तू तख्त पे बैठा है, तू कुर्सी छोड़, मैं कुर्सी पे बैठ के सवाल का जवाब दूंगा। जल्दी जल्दी खड़ा हो गया। कहने लगा शायद इस बच्चे को सवाल का जवाब नहीं आता, तभी तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। आप जब कुर्सी पर बैठ गए, वैसे उस वेले दे बादशाह हजरत जी बंदे दे बच्चे होंदे आन, मौलवियां दे आके कुर्सी छोड़ देंदे आन। सवाल समझ आ गया। कहने लगा क्या मतलब, तेरा सवाल क्या था कि तुम्हारा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। सवाल ये था
कि तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है। अभी तो उसने ये कर दिया है, तुझे कुर्सी से उठा दिया है, मुझे कुर्सी पे बिठा दिया है। उसने कहा वाकई तू बच्चा है पर कच्चा, बोलो ना, बच्चा जरूर है पर कच्चा नहीं है। एक आदमी ने कहा कि मैं आज की दोपहर जन्नत में ना गुजारूं, अपनी बीवी से कह लगा तुझे तलाक। माशाल्लाह कैसी बात, क्या बात है भाई, ऐसे पल्लू वाला पल्लूवान बुद्धू लोग भी होते हैं। आज की दोपहर जन्नत में ना गुजारी तो तुझे तलाक। थोड़ी देर बाद फिक्र पैन कहने चबल बज गई, मैं पता नहीं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, ये तो गई। अब उसको जब मुश्किल वक्त आता है तो मौलवियों की जरूरत पड़ती, और जो आदमी मौलवी साहब से मस्जिद में कहे उस्ताद जी मेरी अलहदा हो के बात सुनो, जो मौलवी को अलहदा ले जाए समझो दे आया। ऐसी कौन सी बात है जो बंदों में नहीं बताता। अब कहेगा उस्ताद जी ऐसे ही मैंने गुस्से में दी है। बंदा थप्पड़ मारे को प्यार में भी देता है, तलाक होती है गुस्से में है। अब जिस मौलवी के पास जा वो कह गई चलता 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 फकाहत के सूरज इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। हजरत जी ये बात हो गई है क्या करूं। मैंने कहा है कि मैं अगर आज की दोपहर जन्नत में ना गुजारूं तुझे तलाक, अब मेरा क्या बनेगा। मैं तेरी माँ जिंदा है, मैं जी जी मेरी माँ जिंदा है, जिस चारपाई पे तेरी माँ आराम कर रही है जाके कदमों में सो जा, शाम को फतवा दूंगा। दौड़ा दौड़ा गया, भागा भागा गया, माँ के कदमों के नीचे सो गया। आज हैरान है आज मुझ में कैसे याद आ गई, ये तो मुझे धक्के मारता था, ये तो मुझे गालियां देता था, ये तो मुझे खाना नहीं देता था, ये तो मुझे जिंदा नहीं रहने देता था, आज बड़ा शरीफ बन के मेरे कदमों में सो रहा है। उसे क्या पता था असल मां बचानी है। शाम हुई हजरत जी दोपहर सो के आ गया हूं, शाम हो गई, फरमाया तलाक नहीं हुई। आ गए मौलवी डांगा लेके, अबू हनीफा नवे नवे मसले घड़ने, तलाक हो गई तो कहना नहीं हुई। फरमाया नहीं हुई, कैसे, शर्त क्या थी। आज की दोपहर जन्नत में ना गुजारूं तो तुझे तलाक। तो कहा जी जन्नत तो गया नहीं है। फरमाया सोया कहाँ है, कहां सोया, माँ के कदमों में। तो हजूर ने क्या फरमाया, जन्नत माँ के, अल्लाह ने माँ को यदमत कमाल दी के माँ की दुआ पे मुसीबत भी टाल दी। रसूल ने माँ की इस तरह मिसाल दी के जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। आओ वापस चले तलवार, थोड़ी देर पहले यहूदी के हाथ में थी, अब वही तलवार हजूर के हाथ में आ गई। अब हजूर फरमाने लगे सुनिए जरा मेरे नबी का अखलाक, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, एक गाली दे तो दो देते हैं, एक आदमी मारे पूरा टब्बर मार दिया जाता है, थोड़ी सी बात हो बोल चाल बंद कर दिया जाता है। आका फरमाने लगे मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचा लिया है, अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा मेरे महबूब सोने मोहम्मद मन मोने मोहम्मद, मैंने तौरात में पढ़ा है तो लोहे की तलवार से नहीं मारता तो प्यार की तलवार से मार देता है। क्यों, जो तेरे हाथों लोहे की तलवार से मारा गया वो दोजख गया, और जो तेरे हाथों प्यार की तलवार से मारा गया। अल्लाह, अच्छा, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। शेख शेख
लो जी मैं आप बात जरा मेरे ख्याल नमाज पढ़नी अभी वो पढ़नी है कि कोई ना पढ़ लवा कर वाह बाबा कहना जी पढ़ लांगे जिंदाबाद इंज तो बाबे भी होंगे ने उन्हें कह लगे रहो पढ़ लांगे क्या बात तवज्जो कीजिए भाई अब जो काम मेरे नबी के अखलाक वाली तलवार ने किया फरमाया अच्छा तुझे मेरा अखलाक याद है जी याद है फरमाया जा तुझे माफ किया जा तुझे माफ किया इसे कहते अल्लाह की रजा और अखलाक मुझे कहां अली याद आ गया जरा अली वाला जोर से बोले अली वाला बोले अली वाला बोले मेरा अली जंग लड़ रहा है एक काफिर को पकड़ा अली जब भी लड़ता है ना लड़ता फिर लड़ता ही है ना काफिर पकड़ा सीने पे चढ़ गया अली काफिर के यूं तलवार रखी उस जालिम ने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया हजरत अली ने तलवार रोक दी मैं जा फिर कभी लड़ेंगे उसने कहा अली दुश्मन था मैं तेरा जिहाद हो रहा है अल्लाह का हुक्म समझ के लड़ रहा था तू मौका था छोड़ क्यों दिया तो मैं पहले मार रहा था अल्लाह की रजा के लिए अब तूने चेहरे पर थूक दिया तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया अली वो काम नहीं करता जिसमें ज़ात शामिल हो जाए अली जो काम करता है अल्लाह के लिए करता है अली जो मांगता है अल्लाह से मांगता है अली खजूरों के लिए नहीं लड़ता तो ये अखलाक थे उसने कहा इतना बड़ा तुम्हें नबी का ख्याल है इतनी अल्लाह से मोहब्बत करते हो कलमा पढ़ाइए अब यहूदी कहने लगा का समझ आ गई है तेरे अखलाक बड़े आला हैं लिहाजा मुझे भी पढ़ा दीजिए आका ने फरमाया पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहाँ से लाऊं उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहाँ से लाऊं सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने और जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े कैसर किसरा के मुंडेरों को हिलाया जिसने हर फेल में आया है मोहब्बत हुजूर की जब से हुई है चश्मे अनायत हुजूर की नबियों के पेशवा की गुलामी नसीब है नादा है अपने वक्त पर उम्मत हुजूर की और दो दस्ते तलब को दौलत कौन बख्श दे दुनिया में बेमिसाल है सखावत हुजूर की तारीकी ए लहद से मुझे कुछ गिला नहीं रोशन है मेरी कब्र में चाहत हुजूर की जिब्रील अब न आएंगे फर्श जमीन पर समझा रही है ये हमें खत्म नबूवत हुजूर की मेरे आका के अखलाक अपनाइए हुजूर के अखलाक अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए जो कलाशन कोफ काम नहीं करती वो तेरे की चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट कई दफा होता है साड़ी गड्डी चाह के ठोक देने मोटरसाइकिल रेड़ी जो आया
अगे अच गुस्से होकर वेखिए ना तब सॉरी वो तो हासे नाल साड़ा हासा निकल जाना। मुस्कुराइए, अखलाक पैदा कीजिए, अखलाक के नबवी पैदा कीजिए। सिर्फ चार पांच मिनट और लोगों का इंशाल्लाह। ये वो अखलाक वाला नबी है, जेब में 10 दिरहम हैं, कपड़े की दुकान पे हुजूर तशरीफ ले गए, 4 दिरहम का कपड़ा खरीदा, 4 दिरहम का। वैसे नबी खरीदारी भी करता है तो 4 को सामने रखता है। पता नहीं बीमार बोले हैं या बेचार लाचार बोले हैं, 4 को सामने रखता है। कंधे पे चादर रखी, वापस आ गए। रास्ते में एक फकीर खड़ा था, आका फकीर हूँ, गरीब हूँ, कैसे रिहा हुआ हूँ, लिबास चाहिए, हेल्प कीजिए। आका ने ये नहीं फरमाया चल मेरे साथ, मैं घर जाता हूँ तुझे पुरानी चादर। हमारे हाफिज नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, सलमी साहब, मैं अब उन बुजुर्गों का नाम नहीं लेता। उसने कहा उन बुजुर्गों से, हजरत कुछ मेरी मदद कीजिए। उन्होंने जेब से ना 1 लाख रुपया निकाला। हाफिज साहब कहते हैं जी मेरी तो खुशी ना लेते हो गई भी, आज बुजुर्ग लाख देने लगे। लेकिन बुजुर्गों ने ना उसको गिनना शुरू किया, मैंने कहा शायद 50 देंगे। उन्होंने जी एक पुराना सा 1000 का नोट निकाला, कहा जी ये लीजिए। समझ गए हो ना, यानी नोट भी हजरत ने तलाश करके दिया। हजरत साहब अब्दुल कुद्दूस नक्शबंदी साहब, कभी कभी हम जाते हैं तो कुछ हमें भी पागल मिलते हैं जो ऐसे ऐसे हमारे ऊपर, वो कभी कभी मिलते हैं। अक्सर तो हमें जफ्फी डालते हुए अगले भी निकाल लेते हैं माशाल्लाह। तो वो नोट ऐसे होते हैं, जब टूल प्लाजे पर जाते हैं तो टूल प्लाजे वाला देख के कहते हैं महफल तो आए हो। मैं कह यो क्यों, कह लगा ऐसा माल तो मौलवियों को वो देते हैं। हजूर ने ये नहीं फरमाया कि आइए मैं तुझे पुरानी चादर देता हूं। आए, आए। मेरे महबूब ने नई चादर जो अभी अपने लिए ली थी, जा ले जा। आका फिर वापस दुकान पर, और चादर चाहिए। कह लगा हुजूर अभी तो आप लेके गए हैं। फरमाया वो तो मैंने अल्लाह से तिजारत कर ली है, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, मैंने गरीब को दे दी है। अब 4 दिरहम की और चादर खरीदी, 4 और 4 मिल जाए तो 8 बनते हैं, 10 लेके गए थे, 2 दिरहम हुजूर की जेब में बचे। आप वापस आ रहे हैं, मदीने की गली में एक छोटी सी बच्ची मासूमा रो रही है, हिचकी बंधी हुई है, आंसुओं से चेहरा तर हो चुका है, रोई जा रही है। लोग गुजरते जा रहे हैं, मेरे महबूब पास पहुंचे, अपना नबूवत वाला हाथ, हाथ रहमत वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चांद को तोड़ने वाला हाथ, सूरज को मोड़ने वाला हाथ, पत्थरियों को कलमा पढ़ाने वाला हाथ, पत्थरियों को कलमा पढ़ाने वाला हाथ, पत्थरियों को कलमा पढ़ाने वाला हाथ, दरख्तों को कदमों में बुलाने वाला हाथ, खत्म नबूवत वाला हाथ, बच्ची के सर पे रखा और कहा बेटी रोती क्यों है, क्या हुआ, किसने मारा है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है। बच्ची की चीखें बुलंद हो गई, पूछने वाले क्या बताऊं, मेरा बाप भी बहुत हो चुका है, मेरी माँ भी बहुत हो चुकी है, भाई मुझे पसंद नहीं करते, रिश्तेदारों ने मुझे किसी के घर में काम पे लगा दिया है, रोती क्यों है। कहने लगी मैं 2 दिरहम लेके आई थी, रास्ते में गिर गए हैं, मालकों ने मुझे सौदा सरफ खरीदने के लिए भेजा था,
अब वापस जाऊंगी मार पड़ेगी आका, काश के मैं अपनी अम्मी के साथ ही मर गई होती, काश के मेरी कब्र अब्बू के साथ बन गई होती, आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। आका मैं यतीम हूँ, आका मैं मिस्कीन हूँ, आका मैं परदेसी हूँ, आका मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरा सहारा कोई नहीं है। हजूर की आंखों से भी आंसू जारी हो गए, हजूर रो के फरमाने लगे, ना ना बेटी बाप का जिक्र ना कर, ना बेटी माँ का जिक्र ना कर, जब कोई मदीने में यतीम रोता है मैं मोहम्मद को अपना बाप याद आ जाता है, मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। मैंने सारे दुख देखे हुए हैं, माँ की जुदाई भी मैंने देखी है, बाप की जुदाई भी मैंने देखी है, इसलिए बेटी रो नहीं। आका ने अपनी जेब में हाथ डाला और दो दिरहम निकाल कर उस बेटी को दे दिए, जा जो खरीद के लाना है खरीद के ला, सलामा का तेरे अखलाक पर, सलामा का तेरी हयात पर, सलामा का तेरे ताज पर, सलामा का तेरे मेराज पर, सलामा का तेरे मिजाज पर, सलामा का तेरे मिलाद पर, सलामा का तेरी जबान पर, सलामा का तेरे बयान पर, सलामा का तेरे उनवान पर, सलामा का तेरे मिशन पर, सलामा का तेरे जिस्म पर, सलामा का तेरे जलाल पर, सलामा का तेरे जमाल पर, सलामा का तेरी आल पर, सलामा का तेरे इकबाल पर, सलामा का तेरी सूरत पर, सलामा का तेरी सीरत पर, सलामा का तेरे किरदार पर, सलामा का तेरी गुफ्तार पर, सलामा का तेरे हर यार पर, सलामा का तेरे देखने पर, सलामा का तेरे सुनने पर, सलामा का तेरे मुस्कुराने पर, सलामा का तेरे रोने पर, सलामा का तेरे ससुराल पर, सलामा का तेरे दमादों पर, सलामा का तेरी सदाकत पर, सलामा का तेरी अदालत पर, सलामा का तेरी सखावत पर, सलामा का तेरी सुजात पर, सलामा का तेरी दियानत पर, सलामा का तेरी शराफत पर, सलामा का तेरी लताफत पर, सलामा का तेरी फसाहत पर, सलामा का तेरी नबूवत पर, सलामा का तेरी खत्मे नबूवत पर, सलामा का तेरी खदीजा पर, सलामा का तेरी हफ्सा पर, सलामा का तेरी उम्मे हबीबा पर, सलामा का उम्मे सलमा पर, सलामा का तेरी मैमूना पर, सलामा का तेरी उमारिया किबतिया पर, सलामा का तेरी जैनब पर, सलामा का तेरी ऐशा पर, सलामा का तेरी बेटी जैनब पर, सलामा का तेरी रुकैया पर, सलामा का तेरी उम्मे कुलसूम पर, सलामा का तेरी जहरा पर, सलामा का तेरे मुआविया पर, सलामा का तेरे हसन पर, सलामा का तेरे हुसैन पर, सलामा का तेरी दस्तार पर, सलामा का तेरी चादर पर, सलामा का तेरे लिबास पर, सलामा का तेरी नालैन पर, सलामा का तेरी जिंदगी के एक लम्हे पर, सलामा का मक्के पर, सलामा का मदीने पर, सलामा का तेरे रोजे पर, बेटी ले जा। हम तो बेटियों के मुंह से निवाले छीनने वाले जालिम हैं, हम तो बहनों के हक कन पट्टी पे पिस्तर रख के दस्तखत करवा लेते हैं, हिस्सा माफ कर। हम भाइयों के हकूक बवाल करने वाले बन गए, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद, यही मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम मुसलमान हैं। अब हुजूर ने उस बच्ची के हाथ में पैसे रखे, उसने और रोना शुरू कर दिया और रोई, हम अब क्यों रोती है, कल लगी लेट हो गई, घर जाऊंगी मार पड़ेगी। अल्लाह अकबर। हजूर फरमाते हैं कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ा हूं, जो ले आना है ले आ, उंगली पकड़ूंगा घर ले जाऊंगा, तेरे मालिक से तेरी सिफारिश करूंगा। अल्लाह मैं अल्लाह के वली के इज्तिमा में आया हूं, ऐसे खूबसूरत अल्लाह तेरे बंदे बैठे हैं, मैं भी दुआ करता हूं कल क्यामत वाले दिन
जब पसीने में शराबोर होके खड़े होंगे, अभी आए जहन्नम के फरिश्ते और जहन्नम ले गए, अचानक हुजूर आए और हमारे कंधे पे हाथ रख के कहे, घबरा नहीं, मैं आया हूँ, मैं उसे कहता हूँ तुझे छोड़ देगा। पता नहीं मेरी दुआ पसंद आई कि नहीं आई। हजरत एक शेर याद आ गया आपको, हदिया। गुनाहगार जो हश्र में, गुनाहगार जो हश्र में फरियाद करेंगे, आया हूँ सरकार कहेंगे, और सर होगा सजदे में। हजरत नक्शा देखिएगा, सर होगा सजदे में, आका का सर होगा सजदे में, और खुल जाएंगी जुल्फें, सर होगा सजदे में और खुल जाएंगी जुल्फें, उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे। आखिरी जुमला कमाल का, अल्लाह फरमाएगा, महबूब ये कहरो गजब, ये कहरो गजब, ये कहरो गजब तो तेरे दुश्मनों के लिए है। अल्लाह कह रहे नबी को, ये कहरो गजब तो तेरे दुश्मनों के लिए है, हम तो तेरे चाहने वालों से प्यार करेंगे। Well, again,